ओ, तुम कितने प्यारे हो। जरा उस पंछी को देखो, जानवर कमाल के होते हैं। तुम यहाँ हो, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम कर क्या रहे हो? मैं सोच रहा था क्या एक पेट रखना इंसानों के लिए कॉमन बात होती है। बिल्कुल, वो अच्छे साथी होते हैं। मेरे पास लूना नाम की एक पेट हैमस्टर थी। बचपन में मॉम ने मुझे नेपोलियन नाम का एक टर्टल दिया था, हम उसे बाथटब में रखा करते थे। हमारे पास सेवी नाम की बिल्ली है, रोज रात मेरे पैरों पर सोती है। तो ठीक है, वक्त आ गया है कि मैं अपने इंसानी पहलू को एक्सप्लोर करूं। मुझे एक पेट चाहिए। तुम एक पेट का ख्याल रखोगे? हाँ, क्यों नहीं। एक जानवर की देखभाल करना बड़ी जिम्मेदारी होती है। तुम एक अच्छे रेंजर हो, पर एक पेट रखना तुम्हारे बस की नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं अकेले एक पेट का ख्याल रख सकता हूँ। याद करो, मेरे अंदर एनिमल डीएनए है, मुझे मुश्किल नहीं होगी। एक काम करते हैं ब्रो, अगर तुमने एक पूरा हफ्ता एक पौधे का ख्याल रखा तो तुम पेट रख सकते हो। मुझे मंजूर है, पर मुझे पौधा कहाँ मिलेगा? कम ऑन, मैं तुम्हें फ्लावर शॉप ले जाता हूँ। ग्रेट, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। हाँ, पर शायद पौधे को होगा। मैंने फिर से कमाल कर दिया। इस मेमोरी पल्सेटर को एक्टिवेट करने के लिए मैंने रोबोट्रॉन मेकर को अपग्रेड कर दिया। जैसा कह दो, तैयार है। तुम्हारा प्लान काम करना चाहिए, वरना भरोसा रखिए काम करेगा। मेमोरी पल्सेटर को जगह पर रख दिया गया है। अब शुरू होता है मेरे मास्टर प्लान का दूसरा हिस्सा। मैंने उस नेटवर्क सिग्नल को हैक किया है जो पूरे शहर में ब्रॉडकास्ट होता है। अभी इसी वक्त वो मेमोरी पल्सेटर उनकी राह को रोक रहा है। ग्रेट बैटल फोर्स के सभी लोगों को भी। बटन दबाते ही कोल हावर में सब आपको भूल जाएंगे और आपके हमलों को भी। और इससे मेरा क्या फायदा होगा? मैं उन सब की मेमोरीज रिप्लेस करूंगा। इस वक्त ग्रिड बैटल फोर्स वालों को ब्लेज और रॉक्सी का बुरे अवतार बनना याद है। पर ये बदलने वाला है। अब मेरा मेमोरी पल्सेटर ग्रेट बैटल फोर्स के सभी लोगों के दिमाग में एक नई मेमोरी डाल रहा है। जल्द ही उन्हें बहुत ही अलग बातें याद हो जाएगी। ब्लेज और रॉक्सी के बुरे एवटार्स बनने के बजाय उन्हें यह याद हो जाएगा कि ब्लेज और रॉक्सी हीरोज बन गए हैं। पावर रेंजर्स बन गए, वो टीम जिस पर आप भरोसा कर सके। वो सब अपने अपने काम पर लग जाएंगे इस बात से अनजान कि उनकी मेमोरीज झूठी हैं। ओह, हाय नेट। मैं लैब में क्या कर रही हूँ? मैं तो लॉन्ड्री में काम करती हूँ। चलती हूँ। तुम कितने प्यारे हो, हरी हरी पत्तियों वाले। मुझे तो स्पॉट नाम का एक पपी चाहिए था, तो इसलिए मैं तुम्हें भी स्पॉट कहूँगा। तुम्हारा क्या ख्याल है डेविन? डेविन, क्या हो गया है तुम्हें? और ये अजीब सी एनर्जी क्या थी? वाह, एक रोबोट, तुम कहाँ से आ गए? ये मैं हूँ स्टील, नेट का भाई, ताकतवर सिल्वर पावर रेंजर। अच्छा मजाक है। वो एनर्जी, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया। तुम्हें पता है तुम रेड रेंजर हो, राइट? क्या? मुझे अकेला छोड़ दो, समझे? हाँ, मेरी गलतफहमी है या उसकी मेमोरी के साथ कुछ हुआ है? सही कहा स्पॉट, चलो पता लगाएं। जब तक वो पल्सेटर रेस चल रही है, किसी को शक भी नहीं होगा कि सब कुछ बदल गया है। अब तैयार हो जाओ तीसरे हिस्से के लिए। मेरा पीछा करना बंद करो। और हम दोस्त हैं। सोचो स्पॉट, उसे कैसे यकीन दिलाऊं? आहा, क्या तुम ग्रेट बैटल फोर्स का सिमुलेटर ट्राई करना चाहोगे? एक मिनट,
तुम मुझे उनके सिम्युलेटर तक ले जा सकते हो? हाँ बिल्कुल, बस मेरे पीछे आओ। वाह, ये जगह तो कमाल है। रुको, डेविन रुक जाओ, वो तो ब्लेज और रॉक्सी है, अंदर जा रहे हैं। चलो, हमें छिपना होगा। वैसे हम किससे छिप रहे हैं? मैंने उन सबको जिम में देखा है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग जिम में चलें। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम सब वहाँ थे जब इवॉक्स ने ब्लेज और रॉक्सी को बुरा बनाया था। हम कई बार उनसे लड़े हैं।